भाई ये है अपने पास में प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए और डेटा निकालिए। डेटा क्या है देखो, ए पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस। ये लिखा हुआ है वाई एक्सिस, ठीक है, यानी वाई की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है बच्चों। तो मैं लिखता हूं यूएक्स यूवाई एक्स ए वाई, समझते हैं ना ये चारों चीजें कौन कौन सी हैं। यूएक्स का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यूवाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्स का मतलब है एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ए वाई का मतलब है एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। चलिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बच्चों आप देखिए, एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से मोशन करता है अलोंग द वाई एक्सिस, यानी वाई की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे ये बताइए कि क्या कोई वेलोसिटी आपको एक्स की डायरेक्शन में भी दे रखी है या नहीं दे रखी है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरी प्रॉब्लम के अंदर क्या एक्स की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी की बात कही है? मुझे तो नहीं लगता है कि कही है। अब अगर नहीं कही है तो हम इसे मानकर चलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। एक्स की डायरेक्शन में शुरुआत में बॉडी नहीं जा रही है, इसीलिए एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने प्रॉब्लम की लैंग्वेज से बना दिया। अभी दो चीजें हम लोगों को चाहिए, एक चाहिए ए एक्स और एक चाहिए ए वाई। अब देखो हम इन्हें कैसे निकालेंगे। भाई मेरे पास में जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये बनाता है 53 डिग्री का एंगल, कहां से? एक्स एक्सिस से। तो अब देखते हैं कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 53 डिग्री का एंगल बनाता है, तो देखते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में कितना जाएगा और वाई की डायरेक्शन में कितना जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने ये बनाया एक्स, हमने ये बनाया वाई। ध्यान से बच्चों, ये है अपने पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां से ये वाला एंगल बन रहा है 53 डिग्री। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 53 डिग्री का एंगल बनाता है। देखते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट जाएगा। ये कितना है 10, इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों 10, ये 53 है cos 53 और ऊपर की तरफ जाएगा 10 sin 53। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट, वेक्टर वाले चैप्टर में हमने आपको बताई थी, यहां पर भी हम आपको बता रहे हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस का टर्म जाता है और जहां एंगल नहीं बनता है वहां साइन का टर्म जाता है। इस तरीके से हमने इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया। देखो यहां एरो का साइन बाहर था ना, हमने इसके कंपोनेंट्स तोड़ लिए। इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमने इसके कंपोनेंट को तोड़ लिया। 10 कॉस 53 की वैल्यू है 3/5, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अभी मैंने साइन 37 और कॉस 37 बताया था, अब बता रहा हूं कॉस 53 है 3/5, साइन 53 है 4/5, ठीक है। तो ये आ गया 8, यानी वाई की डायरेक्शन में है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भैया, अब हमारे पास में यू एक्स भी है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू वाई भी है, ए एक्स भी है और ए वाई भी है। चार के चार डेटा मेरे पास में मौजूद हैं बच्चों, मुझे क्या करना है? ये कंपोनेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखेगा कि जिधर एंगल है उधर 10 के साथ कॉस लग जाएगा और जिधर एंगल नहीं लिखा हुआ है उधर साइन बनेगा। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो और प्रैक्टिस बनेगी हम लोगों की। ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल दी है। टाइम हम लोगों को दे रखा है 3 सेकेंड, टाइम हम लोगों को दिया है 3 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट? जरा देखो, एक्स की वैल्यू होगी भाई बच्चों यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वाई की वैल्यू होगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपके पास में सारी वैल्यूज मौजूद हैं, पुट करिए। यू एक्स की वैल्यू 0, ये टर्म हो गया 0, ए एक्स की वैल्यू है 6/2 3, टाइम की वैल्यू है 3 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 3, ये आ गया 27 मीटर। भाई पुट कर लेना यार,
कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चारों इसे इन्हें उठाकर यहाँ पुट करना है। अब यहाँ पुट करते हैं, यू वाई की वैल्यू है भाई अपने पास में 4, टाइम की वैल्यू है 3, 4 × 3, तो वाई बन गया हमारे पास में 12 प्लस हाफ। ए वाई की वैल्यू है हमारे पास में 8, 3 स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9, ये से कैंसिल आउट 4, 9 × 4 36, 36 और 12 ये बन चुका है 48 मीटर। एक्स की वैल्यू 27 मीटर, वाई की वैल्यू 48 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों। ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों का ज़रूर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, देन हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, अब ये आई प्रॉब्लम हमारे पास में। बड़ा अच्छा सवाल है यार, और ऐसे सवाल तो हमने कल की क्लास में बनाए भी थे, आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक्सीलरेशन हम लोगों को दे रखा है a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, u हमें दे रखा है u हमें दे रखा है 6i कैप प्लस 8j कैप। हमें वेलोसिटी बतानी है और ये बताना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखो बच्चों अब कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, u के अंदर i के साथ लिखा हुआ है 6, यानी ये वैल्यू हो गई ux की, ux इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। j का मतलब है y, इसके सामने लिखा हुआ है 8, तो uy की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन i के साथ लिखा हुआ है 3, ये वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और y के साथ, j के साथ एक्सेलरेशन में लिखा हुआ है 4। लो यार ये तो बहुत ही आसान हो गया, इतना आसान तो अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं था। हमने u को देखकर ux और uy बता दिया और a को देखकर ax और ay बता दिया, बहुत ही आसान। टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 2 सेकेंड, टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं वेलोसिटी। तो लिखते हैं vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। हाँ भाई, ux कितना है 6, ax कितना है 3, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम है 2, 3 × 2 6 × 6 ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। भाई पुट कर देना यहाँ वैल्यू, हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए लेकिन तुमसे नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेटली करना। अब निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू 8, ए वाई की वैल्यू 4, 4 × 2 8 और 8 16 मीटर पर सेकेंड। अरे निकाल दोगे ना यार, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके कैलकुलेट करके निकाल देना, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास में बन गया भाई 12 तो है x की डायरेक्शन में, तो लिख देंगे 12 i कैप, और 16 है y की डायरेक्शन में, तो यहाँ लिख देंगे 16 j कैप। लीजिए साहब, ये तो हो गई हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रहेगी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ किया एक्स की डायरेक्शन में। यू एक्स कितना है अपने पास में 6, टाइम कितना है अपने पास में 2, ए एक्स कितना है 3, टाइम की वैल्यू 2। आइए वैल्यू पुट करते हैं भाई, यू एक्स हो गया 6, टाइम हो गया 2 प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 3, टाइम हो गया 2 2 स्क्वायर 4, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, 6 × 2 12, 3 × 2 6, यानी x की वैल्यू निकल गई हमारे पास में 18 मीटर। लो भैया x निकल गया 18 मीटर। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू, y का फॉर्मूला होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों,
UI क्या है? UI है 8, टाइम की वैल्यू है 2. आइए वैल्यू पुट करते हैं. ये बनेगा 8 × 2 + 1/2. AY की वैल्यू है मेरे पास में, AY है 4, टाइम की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर 4 कैंसिल आउट, आ जाएगा 2, 16 × 8 = 24. Y की वैल्यू निकल चुकी है भैया हमारे पास में 24 मीटर. उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी बात. देखो अगर मुझसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं बता देता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करता, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता. लेकिन उसने मुझसे पूछा है बच्चों पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है ये, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है स्टूडेंट, ठीक है. अब बताओ जरा एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 18, और वाई की वैल्यू 24, तो लिखेंगे 18 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ठीक है. जिस बच्चे को आई कैप और जे कैप के बारे में जानकारी ना हो तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ. आई कैप का मतलब एक्स की डायरेक्शन से है और जे कैप का मतलब वाई की डायरेक्शन से है. अगर और डिटेल में जानना है तो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़िए, ऑफिस से कॉन्टेक्ट करिए और वेक्टर चैप्टर आप दोबारा से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी बात. तो ये पूरी बात तो मुझे पक्का उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आई होगी. आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे. ओके स्टूडेंट.